good morning, welcome back to my channel Shivanya's World. Hey guys, good morning, welcome back to my channel Shivanya's World. तो मेरी कोलकाता आने के बाद ये फर्स्ट ब्लॉग होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे फेस का हालत देखिए, एकदम चिपकू सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की जो तेल है मेरे मुंह पे आ गया है. तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक फेशियल करवा लूँ, लेकिन मुझे पार्लर से फेशियल करवाना एकदम भी अच्छा नहीं लगता. मुझे घर पे खुद के हाथों से फेशियल करना ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं घर पर DIY फेशियल बना के फिर लगाऊं, तो टाइम तो नहीं होता. तो मैंने सोचा था, जब मैं आरंभ पे थी, आई मीन मायके में थी, तब मैं सोचा था कि एक फेशियल किट ले लूं, जो कि आई मीन बहुत दिनों तक जाएगा एंड उसके साथ साथ रेंज भी उतना ज़्यादा नहीं है. एंड तो ऐसे देख के मैंने एक मैक्स ग्लो का एक फेशियल किट ले आई हूँ, जो कि अगर महीने में मैं एक बार भी कर लूँ तो शायद 6-7 महीने तो आराम से चल जाएगा. वो है एलोवेरा फेशियल किट, मैक्स ग्लो का है. तो आज मैं वही करूँ, पहले मैं नहा लूंगी एंड उसके बाद फेशियल करूंगी एंड फेशियल का पूरा प्रोसेस जो आपके साथ शेयर करूंगी. मुझे भी ऐसा पता नहीं है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं, आपको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा यूज करने के बाद. मैक्स ग्लो का बहुत सारा फेशियल किट मैंने यूज कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा है मैक्स ग्लो का प्रोडक्ट. तो देखते हैं ये वाला जो फेशियल किट है कैसे काम करता है. के आ गई हूँ एंड इसके बाद मैं फेशियल करूंगी. ओके, फेशियल में क्या क्या है, सीरम वगैरह, स्क्रबर वगैरह, आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज है इसमें. ओके, तो इस फेशियल किट में फर्स्ट जो है वो है स्क्रबर, सेकंड है मसाज जेल, उसके बाद है मसाज क्रीम एंड उसके बाद है फेशियल पैक, देन ये है स्किन प्रोटेक्शन लोशन एंड उसके बाद है सीरम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता देती हूँ कि इसमें से, इस किट में से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग है एंड वो है क्लींजर. इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन बाद में सोचा चलो कोई नहीं, नॉर्मल जो फेस वॉश है उससे ही मैं काम चला लूँगी. सो जैसे कि आपको मैंने बोला है कि इस किट में से एक प्रोडक्ट मिसिंग है, वो है क्लींजर. तो मैंने अपने फेस को फेस वॉश से नॉर्मली वॉश कर लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी स्क्रबर. सब पैक एक ही जैसे दिखते हैं, तो ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. कहाँ गया, ये स्क्रबर मैं लिटिल बिट अमाउंट में इसे यूज़ करूँगी. अरे दिखने में कितना खूबसूरत है, देखिए कलर, वाओ ना. मैंने इसे खरीदा है फॉर अपकमिंग दुर्गा पूजा, क्योंकि 3 महीने बाद ही दुर्गा पूजा है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा अगर 3 महीने पहले से अगर मैं स्किन का थोड़ा बहुत ख्याल रखूँ तो पूजा के टाइम पे मेरा स्किन है, स्किन जो है थोड़ा सा बेहतर बन सके, मेरा स्किन थोड़ा सा बेहतर दिख सके, तो इसीलिए मैं इसको ले आई हूँ आरामबाग से. सो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक मसाज करूँगी, खास करके जिस जगह पे मुझे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, लाइक दिस एरिया. मसाज करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी. मैक्स ग्लो का सारा प्रोडक्ट का जो स्मेल होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है स्मेल, एकदम फ्रेश लगता है इसे यूज करने के बाद. सो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं यूज करूंगी मसाज जेल एंड इसको लगा के आपको 10 to 15 minutes तक मसाज करना होगा. एंड इस प्रोडक्ट को आप एक बार देख लीजिए, वाओ क्यूट ना. तो ये जो मसाज जेल है बहुत ही कम अमाउंट पे मैं लूंगी, क्योंकि इसको ज्यादा अमाउंट में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप किसी भी घर पर कोई किट यूज कर रहे हो फेशियल करने के लिए, अगर आप उसे 1 घंटा तक फ्रिज में रखे उससे यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है. मुझे टाइम नहीं मिला है रखने के लिए, मैं शायद भूल गई थी तो इसीलिए टाइम नहीं मिला है, ये बात मैं नहीं बोलूंगी, मैं भूल गई थी तो इसीलिए मैं नहीं रख पाई. तो मैं क्या करूंगी, इसके बाद एक आइस मसाज ले लूंगी. आइस, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है कि मुझे ना ठीक से बातें भी करना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों. मैं जब भी कुछ बोलना चाहती हूँ तभी मेरा जो है टेल ड्रॉप हो जा रहा है, बातें करना भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसे बैठ ही रहूं.
तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेके मैं इसे मसाज कर लूंगी। इसमें शायद मिंट भी है, फेस में बहुत ठंडक महसूस हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम। इसको भी अपने फेस पे लगा के हमें 10 से 15 मिनट तक मसाज करना होगा। मसाज करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी फेस पैक, एलोवेरा फेस पैक। ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो क्ले फिनिशिंग का है, राइट? एलोवेरा क्ले। तो इसे मैं अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस एंड नेक पे एक्सेप्ट द आई एंड लिप। लिया है जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। ओके, खाने का भी टाइम हो गया है तो सबको मैं खाना जो है परोस देती हूँ, उसके बाद आपसे आके मिलती हूँ। एंड इसमें जो इस एक एक डिब्बा में जितना सारा प्रोडक्ट है ना, इसमें आपको शायद 6 से 7 बार आप इसे फेशियल कर सकते हो। सो 15 मिनट हो गया है एंड मेरा फेस पैक जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो इसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। सो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो मेरा फेस जो है पहले से बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। इसके बाद मैं करूंगी आइस मसाज। सो मेरा आइस मसाज भी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी स्किन प्रोटेक्शन लोशन। ये दिन का टाइम है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर मैं रात में फेशियल करती तो क्या करती, ये जो सीरम है इसे डायरेक्ट अप्लाई कर लेती। अभी सिर्फ मैं स्किन प्रोटेक्शन लोशन का यूज करूंगी एंड आज मैं पूरा दिन अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी। रात को सिर्फ फेस वॉश से फेस को वॉश करके सीरम को लगा के सो जाऊंगी। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे स्किन प्रोटेक्शन लोशन। लोशन बाहर आ जा भाई। तो अभी बज रहा है शाम के 6:30 एंड अभी मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, तो इसीलिए मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ मुरमुरा के साथ खाने के लिए। एंड आज मैं सोचा था कि बाहर जाऊंगी लेकिन हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं एंड बेबी को बहुत देर करके बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि उसको भूख लग जाएगी, उसके बाद उसको नींद भी आ जाएगी। तो आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू।